मऊ जिले के चिरायाकोट थाने की पुलिस ने भैसई नदी के पुल से बीते 16 अक्टूबर को मोबाइल की दुकान में चोरी करने वाले चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके पास से पुलिस ने 20 मोबाइल, 40,000 रुपए नगद और लोहा काटने वाली आरी व दो ब्लेड को बरामद किया। इसका खुलासा करते हुए अपर पुलिस अधीक्षक AK श्रीवास्तव ने मीडिया कर्मियों को पूरी बात बताई। आइए जानते हैं। पुलिस ने कार्रवाई करने के बाद अब इन अभियुक्तों को जेल भेज दिया है। ढेर सारे मोबाइल और कैश जाने की बात आई थी। इस घटना को चूँकि बिल्कुल थाने से सटी हुई बिल्डिंग है, पीछे से आप कैमरे से अंजाम दिया और तरह तरह से पुलिस को टहलाता रहा, ये किया वहाँ गया, मतलब जैसे कोई घटना ही नहीं किसी की मालूम। फिलहाल लोहा काटने की आरी और ब्लेड है, चार अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। लालू और गोविंद कुमार पुत्र जवाहरलाल साकिब फतेहपुर थाना रानीपुर मऊ, सोनू और सतेंद्र पुत्र राम नारायण कुमार पुत्र राम मदन साकिन शेरपुर टड़वा जहानागंज, विशाल और विक्रांत कुमार पुत्र लालचंद राम साकिन फतेहपुर। ये जो लालू कुमार और गोविंद पुत्र जवाहरलाल है, यही मुख्य अभियुक्त है। शरीर से पतला से जुमला और कुछ चोरी का आरोप लगाया गया था 50 रुपये का, उससे अपमानित होकर के उसने स्थानीय चोरों से संपर्क किया और चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। इस तरीके से इन्होंने आला नकब आरी से काटा गया, पीछे से चढ़ के निकाला गया। कुल मिला करके इनके कब्जे से जो बरामदगी हुई है 20 अदद मोबाइल सेट है,